दोस्तों, मैं विकास प्रजापत पत्रिका टीवी के फिल्मी दंगल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आयुष्मान खुराना की जर्नी के बारे में। हाल ही में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है शुभ मंगल ज्यादा सावधान, जिसकी चर्चा देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। तो आइए जानते इस मूवी से रिलेटेड लोगों का क्या रिएक्शन है। हाँ मुझे आप बताइए, इस मूवी को लेकर लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कहें? जी विकास जी, हाल में जो है आयुष्मान खुराना की नई फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान रिलीज हुई है और ऑडियंस से उनको भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग उनकी एक्टिंग को खूब पसंद कर रहे हैं। ये समलैंगिकता के मुद्दे पर बनी है। आयुष्मान का तो रिकॉर्ड मतलब पिछले 2 साल में बैक टू बैक हिट दे रहे हैं। एक के बाद एक उन्होंने 6 फिल्में हिट दी हैं। बधाई हो, आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल, मतलब बहुत कम बजट में बनी फिल्मों को उन्होंने अपने दम पे हिट किया है। उनकी जर्नी अब तक की शानदार रही है। ये अलग बात है कि शुरुआत में जैसे अन्य स्टार्स की जगह वो भी एक दो फिल्मों में फ्लॉप हुए थे, लेकिन उसके बाद से वो अपने पैरों पे संभले हैं और अब दिन प्रतिदिन अपनी एक्टिंग में निखार लेते आ रहे हैं और लोग भी उनकी एक्टिंग को खूब पसंद कर रहे हैं। ये हाल ही में भी सुनने को आया कि वो फिल्मों से पहले या कई बार देखा जाता है कि वो बता रहे कि मैं ट्रेन में गाना गाते थे। जी विकास जी, आयुष्मान खुराना ने हाल में एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी जो है परिवार इतना सक्षम नहीं था कि मेरा पूरा खर्चा उठा सके। जब मैं मुंबई में थिएटर करने जाता था तो ट्रेन में गाना गाता था और उससे जो पैसा मेरे को प्राप्त होता था उससे मैं गोवा की ट्रिप के लिए खर्चा उठाता था। लेकिन मैंने मेरी जो है उम्मीदें नहीं छोड़ी और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ये सब ऑडियंस की करामात है, उन्होंने मेरे अभिनय को पसंद किया। हाल ही में उन्होंने एक नेपोटिज्म के बारे में भी कुछ बयान दिया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आयुष्मान का कहना है कि मतलब मैं बाहरी हूँ, मेरे को ये पता था कि मेरे को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि स्टार किड को पहली फिल्म तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन आगे उनको अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टार किड है और वो एक्टिंग मतलब पूरे दिल से नहीं कर रहे हैं तो लोग उसको पसंद करते रहेंगे। मतलब स्टार किड अगर मेहनत नहीं करेंगे तो एक दो फिल्मों के बाद फ्लॉप हो जाएंगे। आयुष्मान का कहना है कि मेरा मानना है कि अगर मैं 50% मेहनत करता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये इसकी मेहनत है, लेकिन अगर स्टार किड 100% भी मेहनत करते हैं तो लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि अभी इनको और मेहनत करनी बाकी है, क्योंकि उनके एक टैग लगा हुआ है नेपोटिज्म, यानी कि स्टार किड। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि हाल में जो मूवी हुई है उनकी रिलीज, उनमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब कंटेंट बेस्ड है, हर प्रकार की मूवी है, जैसे छोटे बजट की है लेकिन उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, तो ये उनकी एक्टिंग का कमाल है या उनकी कहानी का, मतलब जो? जी विकास जी, ऐसा है आजकल इंडस्ट्री में कॉन्टेंट बेस्ड फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, मतलब लोग कहानी देखना चाहते हैं, चेहरा नहीं। वो चेहरे के पीछे सिनेमा हॉल में नहीं जाते, उनको इंटरेस्टिंग कहानी चाहिए। और आप देख रहे हो आयुष्मान एक के बाद एक 6 हिट फिल्में दे चुके हैं और सारी अलग अलग कॉन्टेंट बेस्ड फिल्में हैं, तो उनकी जो स्क्रिप्ट चूजिंग का जो मेथड है ना वो अन्य स्टार से अटक करते हैं। वो ऐसी ही स्क्रिप्ट चूज करते हैं जिसको मतलब लोग ऑडियंस देखना पसंद करते हैं। उन्होंने बताया था कि हाल में जो है मैंने शुभ मंगल ज्यादा सावधान को चूज करने से पहले 6 फिल्मों के ऑफर जो है ठुकराए थे, क्योंकि मेरे को मेरे अनुसार हटकर के स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो आयुष्मान इस मामले में काफी चूजी हैं और उनका ये जो फॉर्मूला है हिट भी हो रहा है, दर्शक भी काफी पसंद है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।